हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सोमेंस टेक। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे केंट का एक बॉयलर के बारे में। केंट ने अपना नया एक बॉयलर निकाला है जिसमें आप 7 अंडे एक साथ बॉयल कर सकते हैं। आज हम आपको दिखाएंगे कैसे बहुत ही आसानी से आप अपने घर में इसमें अंडे बॉयल कर सकते हैं। इसमें कुछ प्रोसेस है जो हम आपको दिखाएंगे, जो देखने के बाद आप बहुत ही आसानी से इसमें अंडे बॉयल कर सकते हैं। अगर आप वो प्रोसेस फॉलो नहीं करते हैं तो अंडे इसके अंदर फट भी सकते हैं और अंडे ठीक से बॉयल भी नहीं होंगे। तो दिखाते हैं आपको इसका प्रोसेस, इसका पूरा डेमो, तो हमारे साथ बने रहिए। आखिर में मैं इसका टिप्स भी दूंगा आपको, जिससे कि आप इसको बहुत ही आसानी से मेंटेन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम इसको अनबॉक्स करके देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या है। हम इसको खोल डालते हैं। ये एक मैनुअल है इसके अंदर। देखिए, इसको हम रख देते हैं और ये आपका एक बॉयलर है। ये ऊपर का ढक्कन है इसका। बॉक्स को हम हटा देते हैं। देखिए दोस्तों, ये एक स्टीमर कंटेनर है। ये मेजरिंग कप है और इसके नीचे आपका एक नीडल लगा हुआ है, देखिए, जिससे कि आप एक को छेद कर सकते हैं। मैं आपको दिखाऊंगा डेमो के टाइम में। और ये आपका एक बॉयलर का यूनिट है। पैकेट को हटा देते हैं। ये आपका कॉर्ड है। तो ये पूरा सेटिंग है, देख लीजिए दोस्तों। ये इसका ऑन ऑफ स्विच है। ठीक है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों, इसमें आप सॉफ्ट, मीडियम और हार्ड एग बॉयल कर सकते हैं। इसमें आप देखिएगा, यहाँ मेजरिंग दिया हुआ है। ये आपका सॉफ्ट का मेजरिंग है, ये आपका हार्ड का मेजरिंग है और उल्टी तरफ आपका मीडियम का मेजरिंग दिया हुआ है। यहाँ आपको ठीक से दिखाई नहीं दिया होगा, लेकिन यहाँ आपका सॉफ्ट में 1, 2, 3, 4 करके अलग अलग मेजरिंग यूनिट दिया हुआ है। आप जितना पीस एक को बॉयल कीजिएगा उसका हिसाब से यहाँ पानी डालिएगा। अगर आप एक अंडे को बॉयल करना चाहते हैं तो पानी ज़्यादा दीजिएगा, और अगर आप 6 या 7 अंडे को बॉयल करना चाहते हैं तो पानी कम दीजिएगा। उसके हिसाब से ही है कि क्योंकि उस हिसाब से पानी भीतर जाएगा और ऑटो कट होगा। नीचे वाला पोर्शन आपका सॉफ्ट के लिए और ऊपर वाला यानी ज़्यादा पानी, ये आपका हार्ड बॉयल के लिए है। तो ठीक है, हम लोग शुरू करते हैं। मेजरिंग यूनिट में हम लोग पानी ले लेंगे। तो हम इसमें अभी, अच्छा दोस्तों, इस कंटेनर को हम अभी हटा देते हैं, ये अभी हमारा ज़रूरत नहीं पड़ेगा। मैनुअल को भी हम लोग हटा देते हैं। तो आपको ज़रूरत पड़ेगा ये ऊपर वाला ढक्कन और ये मेजरिंग कप। तो ठीक है दोस्तों, अभी हम अंडे को हार्ड बॉयल करेंगे। तो मैं 7 अंडे को बॉयल करूँगा। 6 और 7 अंडे एक ही लेवल पे होगा, तो उसके लिए हम इसमें पानी ले लेते हैं। मैंने इसमें पानी डाल लिया। अब ये जो कंटेनर है ये ऊपर बैठेगा यहाँ पर, और ऊपर से आप पानी डाल दीजिए इसके ऊपर। ठीक है, पानी नीचे चला गया, कोई बात नहीं। अब आप इसके ऊपर अंडे बैठाएंगे। कैसे आप अंडे बैठाएंगे दोस्तों? अंडे का एक नीचे वाला छोटा डिक होता है और एक ऊपर वाला बड़ा साइड होता है। तो जो छोटा साइड है उस साइड को हम नीचे देंगे, लेकिन उसके पहले अंडे को हम छेद कर लेंगे। तो कैसे, देखिए, ये नीचे वाला जो कंटेनर है, कंटेनर का मेजरिंग कप का, ये खुल जाता है और इससे हम
ये जो एकदम मिडल में यहाँ ऊपर वाला जो बड़ा पोर्शन है उसका मिडल में हम छेद कर लेंगे। इसको ऐसे लगाएंगे और ऐसे घुमा के छेद कर लेंगे और इसको हम यहाँ बैठा देंगे। देखिए एक अंडा बैठा दिया हमने, वैसे हम दूसरा अंडे लिए और हम छेद करते जाएंगे। बहुत ही इजी है दोस्तों, बच्चे भी इसको कर सकते हैं। दोस्तों इस प्रोसेस से आप अपने कोई भी एक बॉयलर में अंडे उबाल सकते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ केंट वाला में ही आप कर सकते हैं, किसी भी एक बॉयलर में एक ही जैसे होता है, लेकिन ऊपर ये छेद करना आप मत भूलिएगा। ठीक है दोस्तों, मैंने सारे अंडे में छेद कर लिया और इसको बैठा दिया। आप एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि अंडे एक के साथ एक लगे नहीं। ठीक है, पूरा मेरा अंडा बैठ गया यहाँ। अब मैं इसका ऊपर वाला कंटेनर का ढक्कन लगा दूँगा। इसको ऐसे बैठा दीजिए और उसके बाद स्विच को ऑन कर दीजिए। देखिए इसका रेड कलर का इंडिकेटर भी जल गया। अब आपको और कुछ करने का ज़रूरत नहीं है, अंडे अपने आप होते रहेंगे और उसके बाद ये ऑटो कट हो जाएगा। जब इसका पानी ख़त्म हो जाएगा तो ये ऑटो कट हो जाएगा। दोस्तों मैं आपको पूरा होने तक नहीं दिखाऊंगा क्योंकि इससे वीडियो का लेंथ बढ़ जाएगा। मैं आपको बीच बीच में कट करके दिखा दूंगा। दोस्तों पानी बॉयल होना चालू हो गया है। देखिए ऊपर वाला पोर्शन धुंधला हो जा रहा है, यानी स्टीम निकल रहा है। इसको पूरा होने में आपका 12 मिनट टाइम लगता है। 7 अंडे होने में आपको 12 मिनट हार्ड बॉयल में टाइम लगेगा। दोस्तों देखिए अभी भी इससे स्टीम निकल रहा है, नीचे वाला पानी थोड़ा थोड़ा करके ख़त्म हो रहा है। जब पूरा पानी ख़त्म हो जाएगा तो इसका स्विच ऑफ हो जाएगा और सारे अंडे बॉयल हो जाएंगे। दोस्तों अभी भीतर का पानी बहुत सारा सूख गया है और एक भी लगभग बॉयल हो चुका है। अभी थोड़ी देर में ही इसका कटआउट होने वाला है। कटआउट होने पे स्विच अपने आप ही ऊपर उठ जाएगा। दोस्तों इसका स्विच ऑफ हो गया है ऑटोमेटिकली, यानी इसका पानी सूख गया है। अभी हम थोड़ी देर रखेंगे क्योंकि इसके अंदर से स्टीम को हम निकल जाने के लिए देंगे और स्टीम निकल जाने के बाद हम इसका ढक्कन को खोल देंगे ठंडा होने के लिए। तो दोस्तों अभी जब इसका स्टीम निकल गया है तो मैं इसका ढक्कन खोल दूंगा। एक पूरा बॉयल हो चुका है लेकिन अभी ये गर्म है। इसके नीचे का जो पानी है वो सूख चुका है। देखिए इसका नीचे वाला जो पानी है वो सूख गया है। हम इसको थोड़ी देर ठंडा होने देंगे। तो चलिए दोस्तों हम आपको एक अंडा छील के दिखाते हैं कि ये अंडा कैसा हुआ है। इसको ले लेते हैं और इसको थोड़ा ठोक लेते हैं। ये अभी बहुत गर्म है, इसको थोड़ा पानी डाल के हम ठंडा कर लेते हैं। और इसके बाद हम इसको खोल लेते हैं। देखिए दोस्तों कितना अच्छा बना है। ये अभी बहुत गर्म है। मेरे मुंह में तो इसको देख के ही पानी आ रहा है।
शायद आपको भी आ रहा है। दोस्तों देखिए कितना अच्छा बना है, इसका टेक्सचर भी कितना अच्छा आया है। तो ये था दोस्तों केंट का एक बॉयलर। लास्ट में इसका टिप्स है कि इसको जब भी आप इसमें एक बॉयल करें तो उसके बाद इसका जो नीचे वाला पोर्शन है, ये मेटल वाला पोर्शन, इसमें थोड़ा एक गिर जाता है जब होता है उसका स्टीम के साथ, इसमें थोड़ा एक योक गिर जाता है, तो उसको आप हर वक्त साफ़ कर लीजिएगा, क्योंकि बाद में नहीं तो इसको साफ़ करना प्रॉब्लम हो जाता है। और दूसरी बात, इसको उठाने के टाइम में इसको कपड़े से पोंछ लीजिएगा, इसमें पानी मत दीजिएगा बाहर के तरफ से। और ये जो चीज़ है, ये बॉइलिंग यूनिट है, इसमें स्टीम में आप कुछ भी बॉयल कर सकते हैं। इसके ऊपर रख के ये वाला कंटेनर को हटा दीजिएगा, उसके ऊपर ये रख दीजिएगा तो इसमें ये बॉयल हो जाएगा। प्लास्टिक के ऊपर रख के भी आप इसमें बॉयल कर सकते हैं, नीचे पानी दे दीजिएगा और उसके ऊपर ये कंटेनर दे दीजिएगा तो इसमें बॉयल हो जाएगा, ऊपर आप इसका ढक्कन दे दीजिए। तो दोस्तों आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक बटन पर ज़रूर क्लिक कीजिएगा और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, तो इससे आपको नोटिफिकेशन हर वक्त मिल जाएगा हमारे नया वीडियो के लिए। तो अभी के लिए इतना ही, और देखते रहिए सोमेंस टेक।